सारे अच्छे अच्छे टीचर्स, जैसे आईएएस की बात करें तो आईएएस में दिल्ली से भी टीचर्स आए हैं, आरएएस की बात करें तो पूरे राजस्थान में जो जो अच्छे टीचर्स हैं वो सारे लाए। इतना प्यारा कंटेंट तैयार किया है कि अगर बच्चा वो पढ़ ले तो बच्चे का सिलेक्शन तो वैसे ही हो जाएगा। और बाकी यहाँ जो फैकल्टीज हैं सारी, वो एक से एक फैकल्टीज बहुत बेहतर फैकल्टीज ये लोग लेके आए हैं। खुद के हिसाब चॉइस करो, आ कोने की भीड़ जन जावे बन नहीं थे चालो, कम कम एक जरूरी कोनी जट भीड़ जाए बट यहाँ जानो है। राम राम जी, मुख्य झलकों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंच गई हूँ जयपुर के अंदर और एलन एएस है, मैं भी के अंदर आई हूँ। अभी तक आप देखता रहे हैं 34 साल के अंदर बहुत सारा बच्चा ही मैं डॉक्टर और इंजीनियर बन के निकला ही और आज आपने पूरे भारत की सेवा में मैं जुट रही। इनमें ही LNS जो जयपुर के अंदर स्टार्ट है, बाहुई है भी के अंदर, IAS, RAS, RJS और CAT यानी कि जो तैयारी है बकरानों ये स्टार्ट कर दी है। तो अभी आप जो स्टाफ है अडेगा बनू बातचीत करांगा, सरू बातचीत करांगा, बच्चों बातचीत करांगा कि तरीकाओं का ऐसे स्टार्टअप है वो करो है और इसकी जानकारी आप पूरी प्राप्त करांगा। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो थे थोड़ा ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करियो ताकि बच्चा ही बस ज़्यादा में ज़्यादा इसको लाभ है वो उठा सके। अभी कुछ स्टूडेंट ही मैं बुला लिया हूँ तो क्यों ना आऊँ ही बात करके आप जानांगा कि किसी के जहाँ क्लास वगैरह ही बन मिल रही। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते मैम। तो थोड़ा सा पहले तो अपने बारे में बता दो। मेरा नाम सुनीता बिश्नोई है और मैं नागौर की रहने वाली हूँ। तो सुनीता क्या की तैयारी कर रही है? ठीक, मैं आरएस की तैयारी कर रही हूँ, फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर रही हूँ। आरएस ने क्या चुनियो मैं जहाँ या पूछना चाहूँ तो? मैम ब्याह तो है नहीं, कह रहे सबको बोल रहा है कि डॉक्टर बनना है, ब्याह बनना है, ब्याह बनना है, पर मैं 10th क्लास में सोचो कि मैं आरएस बनना, मेरा मूसा जी भी आरएस था और अभी जोधपुर लागेड़ा है तो बान देख मन लागो कि आरएस बनना चाहिए मैंने भी, तो पोस्ट की वैल्यू भी ठा पड़ गई कि कितनी कहीं है क्यों है तो भी खातिर बनना है। आरएस तो बनना है पर कठों की कोचिंग करनी ही यो भी एक मतलब बहुत ज्यादा एक माइंड में लेना चाहिए क्योंकि इतनी कोचिंग खुली हुई कोई लिमिट होनी। अरे मैम ब्याह तो नहीं, पूरी कोचिंग हम जा देखियो पर यानी अलग अलग कोचिंग हम जहाँ गया तो भीड़ तो काफ़ी ही, पर एलन में आया तो आगो कोर्स वगैरह सब देखियो मटेरियल वगैरह बिंग बात बैंग काउंसलिंग भी ली और फिर डाउट सेशन टाइमिंग क्लासेस की सही लगी और फिर टेस्ट भी रेगुलर चल रहा तो मन एलन बेस्ट लगी और 35 ईयर्स आगो वो भी रोड है तो बिंग खातिर लियो। एक तो देखो 12 बेस्ट लगा, एक आप खुद भी सीजन है भाई अपने ऊपर करा जे आप कोई खानो देख रहे हाँ तो वो दिखने में तो सुंदर लग सी खा के खावांगा तभी तो पता लगो ना भाई टेस्ट की शो कर रहे हो। मैं पहला भी क्लास में रेडी हूँ, मतलब एलन में पहला भी 6th, 7th, 8th तो एलन स्टूडेंट रेडी हूँ तो मन एक्सपीरियंस हो के हाँ एलन बेस्ट है और आपको रिजल्ट हमेशा बेस्ट ही दे दिया है। मेडिकल और IIT में भी बेस्ट है तो मे बी इमें भी बेस्ट कर दें। तो सबको विश्वास, सबको विश्वास तो यही है कि मैं तो एलन को ही कहूँ क्योंकि मैं तो एलन पर ही करूँ ट्रस्ट, बाकी तो खुद की चॉइस हुआ है कि कीपर करना चाहे। और भी बच्चा देख रहे हैं आपनों बड़ा छोटा तो बनना थे कि कुछ करना चाहूँगा? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि खुद के हिसाब चॉइस करो, आ कोने की भीड़ जन जावे बन नहीं थे चालो, कम कम एक जरूरी कोनी जट भीड़ जाए बट आपन जानो है, सिलेक्शन तो भीड़ मु एक दो को ही हुई पूरा को तो होने हो रही हो तो जट आपन बेस्ट लागे आपन की हेल्प करे बीच कोचिंग ने ज्वाइन करना चाहिए। अभी मेरे साथ में राम शर्मा है और आरएस की तैयारी है बकरन लाग रही। हाँ जी नमस्ते राम। नमस्ते मैम, मेरा नाम राम शर्मा है, मैं धौलपुर से हूँ, मेरी BA सेकंड ईयर में परजरिंग कर रहा हूँ और मैंने एलन ज्वाइन की है, मुझे 4 महीने हो गए। यहाँ का जो स्टडी मटेरियल, जो डाउट काउंटर, यहाँ पे जो फैसिलिटी मिल रही है, जैसे बच्चे क्लास में डाउट वगैरह टीचर से पूछने में हेजिटेट करते हैं तो डाउट काउंटर की अच्छी फैसिलिटी है, कोई भी डाउट पूछ सकता है अपना बिल्कुल हेजिटेशन करे बिना बाहर। और बाकी यहाँ जो फैकल्टीज हैं सारी, वो एक से एक फैकल्टीज बहुत बेहतर फैकल्टीज ये लोग लेके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। मटेरियल स्टडी मटेरियल में नोट्स वगैरह जो ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं वो एनफ है, बाहर से किसी बच्चे को कोई भी हमें मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। 4 महीनों थे अपने भाई पढ़ाई करने लाग रहे हो, 4 महीनों में कुछ नया चीज देखने मिला? बेसिक से मुझे सीखने को मिला जो चीज़ मैं बाकी और भी इंस्टीट्यूशंस में मैंने पढ़ाई करी है, स्कूलिंग भी करी है, तो बाकी जो बेसिक से स्कूलों में शुरू कराते हैं तो वो बेसिक से लेके नहीं चलते, यहाँ बिल्कुल एलन में से जो सिस्टम है वो बिल्कुल बेसिक से लेके ये लोग चल रहे हैं तो किसी भी चीज़ में स्ट्रगल नहीं आता बिल्कुल। और फिर भी अगर किसी को डाउट है तो वो डाउट काउंटर पे आराम से क्लियर कर सकते हैं बिना किसी एजिटेशन के, टीचर्स भी या फैकल्टीज भी एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहती हैं। देखा तो बच्चों स्कूल में जावा है तो बिने पहली ABCD कैखे गड़ा ये सिखाया जाए
तो बी तरीका में आरएएस को पूरा मतलब ही भी इजा समझा जाए कि आरएएस की तरीकाओं की है एक पोस्ट हुआ है के पीछे के करना पड़े आपको आरएएस में। मैम देखो बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, ये भी नहीं है कि आप सिर्फ प्री पास करके एक पोस्ट पर जा सकते हैं या मेंस पास करके, तो तीनों फेजेस से हमको जाना होता है। तो बेसिक से एक शुरू करते हैं तो सारे फेज उसमें साथ 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 कवर होते हुए चले जाते हैं। बाकी साथ साथ में आंसर राइटिंग वगैरह की प्रैक्टिस भी वो सब भी साथ में लेके चलनी पड़ती है, जो ये लोग बहुत बेहतर करा रहे हैं। अलग से हमको कहीं कोई टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, जो एलन सिस्टम फॉलो करवा रहा है अगर उस सिस्टम के हिसाब से स्टूडेंट चलता है तो उसका 110% यहाँ से सिलेक्शन होके जाएगा। नया कोर्स स्टार्ट करें ही व कोर्स के बारे में आप जरूर जानकारी ये बा प्राप्त कराऊंगा। माईसेल्फ प्रदीप अग्रवाल प्रिंसिपल LNS नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को जानकारी में है कि 34 सालों से हम मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सर्वोत्तम रिजल्ट्स दे रहे हैं। हमने 34 साल में जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का विश्वास हमने कायम किया है उस विश्वास को जारी रखते हुए हमने LNS में IAS, RAS, RGS, CAT, CLAT, कॉमर्स एंड IP मेट के कोर्सेज शुरू किए हैं। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरीके से हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग में सफलताएं दी है उसी तरीके से हम इस सेगमेंट में भी आपको सफलताएं निश्चित रूप से अर्जित करवाएंगे। तो जो नयो स्टार्टअप थे करियो है यो के सोच के करियो, मतलब के रीजन रियो के पीछे? देखिए मैडम, इसका सबसे बड़ा रीजन रहा हमारे जो LN के चारों डायरेक्टर्स हैं उनका एक सपना था कि हर घर घर में LN होना चाहिए। वो मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पॉसिबल पूरा नहीं था, तो हम चाह रहे थे कि हमारे डायरेक्टर्स लोग कि घर घर में LN हो, तो उसके लिए हमें अदर सेगमेंट्स में भी आना था, तो इसलिए हमने IAS, RAS और ये वाले सेगमेंट जो हैं शुरू किए हैं। आप लोगों का जो IAS RAS बनने का जो सपना है उस सपने को हम LNS में निश्चित रूप से साकार करेंगे। हाँ जी नाम राम। नमस्कार जी, नमस्कार। कौन सा कोर्स है बात करवा रहे हैं? हाँ, अभी हम लोग IAS, RAS, RGS, CAT, कॉमर्स, CLAT इन सारे कोर्सेज की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। IIT मेडिकल में बहुत ही अच्छा देश में नाम फैलाया LN ने, और अभी LNS चालू किया है और इसमें इन सारे कोर्सेज की तैयारी भी बिल्कुल उसी इकोसिस्टम के साथ डेवलप करवा रहे हैं जो एक बच्चे के लिए होता है ना कि जरूरी, कैसे बच्चा अच्छे से तैयारी करे, एक माहौल बहुत जरूरी होता है, तो वो पूरा के पूरा माहौल यहाँ पे देने की कोशिश हो रही है। बच्चे एक एक बच्चे का ध्यान रखते हैं, बच्चा क्लास करता है, क्लास करने के बाद में बाहर आता है, टीचर बैठते हैं, वेट करते हैं टीचर बच्चे का, बच्चे के डाउट काउंटर पर बैठ के टीचर डाउट सॉल्व करते हैं, उसके अलावा भी पर्सनल अटेंशन देते हैं। क्लास खत्म हो गई, डाउट काउंटर खत्म हो गया, उसके बाद भी बच्चों का कोई डाउट होता है तो अलग से फिर उनको टाइम देते हैं, एक एक बच्चे को आंसर राइटिंग करवाते हैं। जैसे अगर IAS RAS जैसी परीक्षाओं की बात करें तो एक एक बच्चे की कॉपी चेक करते हैं, कैसे उसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है उसका ध्यान रखते हैं। अगर बच्चों को किसी अलग तरीके काउंसलिंग भी जरूरत होती है तो वो भी देते हैं, फिर अलग से स्टडी रूम बना के उसमें पढ़ाई करवाते हैं। बच्चे का हर तरह से ध्यान रखने की यहाँ पे कोशिश होती है और बिल्कुल वही माहौल जो इस परीक्षा में पास करने के लिए जरूरी होता है वो पूरा के पूरा माहौल यहाँ पे दिया जा रहा है। कोचिंग तो बहुत ही, पर LNS के कुछ नयो दे रही? हाँ देखो, एक तो यहाँ पे सबसे बढ़िया बात क्या है कि जितनी भी बेस्ट फैकल्टी है सेगमेंट की, सारे अच्छे अच्छे टीचर्स, जैसे IAS के बात करें तो IAS में दिल्ली से भी टीचर्स आए हैं, RAS की बात करें तो पूरे राजस्थान में जो जो अच्छे टीचर्स हैं वो सारे लाए, RGS में अच्छे अच्छे जो बड़े टीचर्स हैं, नामी टीचर्स हैं, उनको यहाँ पे जोड़ा है, CAT में बड़े बड़े टीचर्स जोड़े हैं जो अच्छे अच्छे संस्थानों से बिलोंग करते थे, और इसी तरह से CLAT में और कॉमर्स में भी अच्छे अच्छे टीचर्स को जोड़ा है। तो फैकल्टी सबसे बड़ा पार्ट होती है और इस इंस्टीट्यूशन की सबसे बड़ी ताकत यही है कि सबसे अच्छी फैकल्टी यहाँ पे जोड़ी है, और हर बड़ी से बड़ी फैकल्टी बच्चों को अटेंशन देती है, प्रॉपर अटेंशन देती है, और कंटेंट इतना प्यारा कंटेंट तैयार किया कि अगर बच्चा वो पढ़ ले तो बच्चे का सिलेक्शन तो वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे के सिलेक्शन के लिए काम नहीं हो रहा बल्कि यहाँ पे बच्चे के रैंक के लिए काम हो रहा है। इस लेवल पे सोच के इस इंस्टीट्यूशन को तैयार किया है, इसको स्टार्ट किया है, और देखिए किस जोरदार तरीके से सारे बच्चों का यहाँ पे आ रहा है, माहौल बन रहा है, और सारे बच्चे यहाँ पे लगातार कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा उनको कि यहाँ पर आएँ LNS में, और जिस भी कोर्स की आप तैयारी करते हैं सारे प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं, और बहुत ही अच्छे से मन लगाकर तैयारी होगी। जब हम और आप दोनों मिलकर तैयारी करेंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। सर देखा जाए तो पूरे भारत में जो बड़ी बड़ी जो एग्जाम हुई हैं, IAS, RAS, इनको जो नाम है वो जोड़ो जा है,
तो काफ़ी सारा बच्चा ही भाई के लिए तैयारी फिर भी कठे ना कठे भाई इस चीज़ में रह जाए तो बने के लिए कि कुछ ऐको नयो है कि भाई बच्चा ही भाई इजली अच्छी तरीके में समझ। हाँ, इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है जैसे इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जब आप बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है और धैर्य रख के और पूरा एकदम श्रद्धा के साथ में तैयारी करनी होती है। तो निराश नहीं होना बिल्कुल, यहाँ पर जो सकारात्मक माहौल मिलता है और उसमें टीचर बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है बच्चों के लिए, बहुत ही पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ में बच्चों को तैयारी करवाते हैं और पूरा धैर्य रखते इस परीक्षा की तैयारी करनी है और रिजल्ट डेफिनेटली आता है, उसमें निराशा कहीं भी नहीं मिलती। जो भी बच्चे सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता, यहाँ पर आकर मिल सकते हैं और उनको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए तो वो गाइडेंस भी हमसे ले सकते हैं और कभी भी इस तरह की दिक्कत नहीं आती बच्चों को कि वो निराशा महसूस करेंगे। सर पढ़ाई के साथ साथ में और भी बहुत सारी चीज़ होंगी, एक बच्चा को माहौल बनानो इन कम्फर्ट करनो भी तरीका होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी होता है पढ़ाई के साथ में, हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है क्योंकि स्ट्रेस फ्री रहेंगे तभी अच्छी पढ़ाई हो पाएगी। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है और इसके लिए भी हम पूरी तरह से बच्चों को गाइडेंस देते हैं, बच्चे का एक शेड्यूल तैयार करवाते हैं कि कैसे बच्चे को, क्योंकि क्या होता है एक तो आप इंस्टीट्यूट में आके पढ़ रहे हैं उसके साथ में सेल्फ स्टडी भी जरूरी है, सेल्फ स्टडी के साथ में दूसरी एक्टिविटी भी जरूरी है, तो बच्चे का पूरा शेड्यूल तैयार करवाने में भी मदद करते हैं कि बच्चा कैसे पूरे दिन को यूटिलाइज कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकता है कम से कम इनपुट के अंदर। तो हम इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देते हैं, इससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है और जिस एम के लिए बच्चा काम करता है वो एम भी पूरा हो पाता है। लास्ट में जितना भी अपना दर्शक देख रहे हैं, बच्चा देख रहे हैं, मैंने कहा माता पिताजी तक के कुछ थे पहुंचाना चाहूँगा और बच्चा तक। माता पिताओं और बच्चों को मैं एक ही बात बोलूँगा, एलन एस आ गया है, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं एलन एस से जुड़ें और आपके बच्चे की सुंदर सफल भविष्य की कामना के साथ में हम लोग पूरी मेहनत के साथ में बच्चों की तैयारी करवाएंगे और आप इस काम के लिए निश्चित रहें क्योंकि एलन के साथ में 34 सालों का भरोसा भी साथ में है और उसी भरोसे को इन सारी परीक्षाओं में भी हम कायम करेंगे। Myself, CR चौधरी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर एलन, एलन एस डिवीजन के बारे में मैं कुछ दो लाइनें कहना चाह रहा हूँ। एलन 35 ईयर से एजुकेशन की लाइन में जिस अंदाज में, जिस तरीके से, जिस परफेक्शन में काम करता आ रहा है, उसी अंदाज में, उसी परफेक्शन के अंदर हम एलन एस के अंदर भी अपने आप को कंप्लीट प्रूव करेंगे। अच्छे टीचर्स और अच्छा सिस्टम जो किसी भी एजुकेशन की बेसिक नीड होती है वो एलन हमेशा बेस्ट सर्व करेगा एलन एस डिवीजन में भी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी एलन एस में कुछ अद्भुत करके दिखाएंगे। एलन की वजह से राजस्थान और स्पेशली जयपुर हमारा देश का कल आने वाले समय में आईएएस और इन सब परीक्षाओं में लीड करेगा, ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। और आज देखा तो भाई एलनर्स के अंदर मैं आई ही और सरों बातचीत करी ही, सबों बातचीत करी, बहुत ही अच्छो लगे और साथ साथ में ही कुछ बच्चों भी आपा बातचीत करी ही। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जो थे वीडियो देख रहे हो 10-12 मिनट को, इन थोड़े सारे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ज़्यादा से ज़्यादा बाका माता पिताजी और बच्चा तक शेयर करना है। साथ साथ में ही जो कॉन्टेक्ट नंबर है वहाँ पर थे कॉल करो, कोई भी दिक्कत है बताओ और अठे आके सरू बातचीत करके और एक अपने बच्चा को, बच्चा की जो जिंदगी है क्योंकि सफलता में एलन को नाम है वो जोड़ दो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।